मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, जैसा कि आज आप देख रहे हैं हमारे पास यामाहा MG166CX मिक्सर है। तो इसके कुछ फेटर्स हैं जो काम करना बंद कर रहे हैं या स्कीप हो जाते हैं, अचानक से कहीं ज़्यादा वॉल्यूम खुल जाता है तो कहीं पे नॉट वर्किंग हो जाता है और कहीं पे बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती है और कहीं ज़्यादा आ गई, अचानक से फेडर खुल गया, अचानक से फेडर डाउन हो गया, ऐसी समस्या आ रही है। तो आज आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि हम भी कर रहे हैं और हमने पहले भी एक दो मिक्सर्स में किया था तो वो हमारे सक्सेसफुली बढ़िया तरीके से वर्किंग कर रहे थे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो ये ऊपर वाला कवर है इसको निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हमारे को ये जो नोब्स है ये सभी नोब्स खोल लेनी है और ये खोलने से पहले हमारे को इसकी फ़ोटो या इमेज वगैरह आपको लेके रख लेनी है। तो आपको ये जो नोब्स है इनमें दिक्कत नहीं आएगी, कौन सी नोब कहाँ पे लगानी है उसको देख के आप आराम से इसकी नोब सेट कर लोगे। और ये खोलने के बाद में आपको ये पूरी जितनी भी ये ढेबरी लगी हुई है इस पर ये खोलनी है और जितने भी ये स्क्रू लगे हुए हैं इसके अंदर, जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं प्लेट के ऊपर, ये यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये सभी खोलने हैं। ये खोल के और फिर ये प्लेट ऊपर हो जाएगी। अब ये खोल के हम दिखाते हैं आपको क्योंकि अब इतने सारे अगर आप खोल के दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और इसलिए हम ये आपको दिखा नहीं रहे। ये भी खोलना हमने स्टार्ट कर दिया है और ये सभी खोल के और ओपन करके आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे आपको हमारे आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। और अगर आपकी कोई कमेंट क्यूरीज हो, आप कुछ जानना चाहते हो पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें हमसे, हो सकेगा तो हम ज़रूर आपकी कमेंट्स की रिप्लाई करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, हम नोब्स निकालते हैं इसकी और इसको ओपन करना चालू करते हैं। दोस्तों देखो ये हमने सारे पेज खोल लिए हैं, इसके अलावा भी हमारे को जितने पेज हैं वो सारे खोलने पड़ेंगे और ये वाले जो नट लगे हुए हैं इनमें ये भी सब खोलने पड़ेंगे, उसके बाद ही ये ओपन हो पाएगा। तो ये इतने हमने खोल लिए हैं, ये भी हम खोल के दिखा देते हैं आपको। आपको एक फ्लास ले लीजिए और इनको हल्का हल्का यूज़ कर लीजिए, ऐसे यूज करने के बाद ही आराम से खुल जाएंगे। ये देखिए जल्दीबाजी ना करें, आराम से खोले। देखिए दोस्तों हमने पूरे पेज खोल लिए हैं, इसमें हमने एक भी पेज नहीं छोड़ा है, सारे पेज खोल लिए हैं। देखो आपको कहीं पे भी एक भी स्क्रू नहीं दिखेगा इसमें और ना इसमें ये टेबल दिखेगी। हमने खोल लिया है, वाशर सारे निकाल लिए हैं और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो ही आप मिक्सर को खोलें, मिक्सर ना खोलें क्योंकि ये बहुत टेक्निकल काम है। और तो देखिए हम ओपन करने जा रहे हैं, एक मिनट, हमारे हाथ में मोबाइल है इसलिए हम आपको ये पूरा नहीं दिखा पाएंगे कुछ करके। ये देखिए हमने ओपन कर दिया है इसको पूरे को। देखिए दोस्तों ये देखिए ऐसे किस प्रकार इसमें डस्ट जमी हुई है, आपको दिखी होगी इस पर। ये देखिए फेड रूम में और ये सभी पैनल्स में, इसी वजह से ये हमारे फेडर अटक अटक के काम कर रहे थे और इसकी वर्किंग कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी, इसकी वजह से हमने इसको खोला है। अब इसका ये जो ये वाला पैनल है इसको हम ओपन कर लेंगे और फिर देखते हैं, क्योंकि ये इस वाले पैनल को हम नहीं छेड़ेंगे।
कनेक्टर्स निकल जाएंगे, नहीं तो हम चलो इसको नहीं खोलते हैं, इसलिए ऐसे ही हम इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमने एक ब्लोअर फैन ले लिया है और उस पर अब हम हवा मारेंगे, जिससे इसकी सारी डस्ट निकल जाएगी। हमने प्लग भी ले लिया है क्योंकि इनसाइड हम ब्लोअर चला नहीं सकते क्योंकि सारी डस्ट अंदर चली जाएगी, इसलिए हम बाहर ओपन एरिया में जाते हैं और इसको डस्ट रिमूव करें। अच्छे से आप इसकी ये डस्टिंग कर लें क्लीन करके, और फिर हम इसको पेट्रोल से धुलाई करेंगे। ओके से देखो दोस्तों, हमने डस्ट लिए और ये थोड़ा पेट्रोल लिया है और ये पहले ब्रश से इसको जो कुछ रह गया है उसको अच्छे से साफ करेंगे डस्ट वगैरह को, और अच्छे से साफ करके आराम से करें। और जो फिल्टर है ये हमने एक एक के अंदर छेद निकाल लिया बोतल में पेट्रोल के लिए, और इसकी हम धुलाई करेंगे। इन पहले नीचे वाले फिल्टर की जरूरी है, देखिए काला काला जो निकल रहा है, इसकी वजह से हमारे फिल्टर खराब हो रखे थे। जैसे पेट्रोल डला है बिल्कुल आराम से स्मूथली चल रहे हैं, इसमें ज़्यादा ब्रश पकड़नी नहीं है, बहुत हल्के आँच से ही करना है। देखिए एक फिल्टर में तो इतना निकला है, तो ये ब्रश निकाली होगी यहाँ से, काला काला सा दिख रहा होगा आपको, देखिए हम थोड़ा सा खड़ा करेंगे पेट्रोल आराम से निकल जाए। देखिए हमारा इसमें बारिश का छेद है जिससे हम ये पेट्रोल इसका छिड़काव कर रहे हैं, इसे धुलाई कर रहे हैं। प्रेशर के साथ में जो भी डस्ट वगैरह कचरा होगा साफ हो जाएगा। हमने इसको खड़ा इसलिए कर रखा है कि पेट्रोल से जो कचरा निकलेगा सब नीचे की तरफ चला जाएगा,
हेडर टेप है उनके अंदर ही जाएगा ना। थोड़ा सा ज़्यादा भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर भी जितने सुखाओगे तो पेट्रोल वाष्प बन के उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली फिल्टर हो जाएगी, देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसकी सफाई हो रही है। फेडर्स को अच्छे से धोए, देखिए आराम से ये देखिए पेट्रोल निकलने लग गया। एक बार आप सभी वॉल्यूम्स को थोड़ा थोड़ा घुमा दीजिए, जिससे कि अगर इसमें डस्ट होगी तो पेट्रोल इसमें गया हुआ है उससे वो साफ हो जाएगी। हल्का हल्का सभी नॉब्स को घुमा के एक बार वापस इसे पेट्रोल से साफ कर दीजिएगा। जो पेट्रोल बचा है वो वापस से प्योर पेट्रोल डाल के अच्छे से वो साफ कर दीजिए। फिर वापस से ब्लोअर फैन से साफ करेंगे इसको। देखिए दोस्तों अगर आप अपने मिक्सर को साफ देखना चाहते हैं तो इस जाली को धो के और साफ कर लीजिए। हमने इसमें सेम प्रोसेस को धो के और कपड़े से साफ कर लिया है। अब हम आपको मिक्सर चेक करेंगे और चेक करके टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गया हमारा मिक्सर और अब इसमें जाली लगाएंगे। अब इसको आराम से आप जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको पैक करना है, आराम से रख के और इसे आराम से हमारे को इसको रख देना है। सब तरफ से आप आराम से देखेंगे और ये देखिए ये हमारी जाली फिट हो गई है। और अब सबसे पहले हम इसके पेच और ये वाले स्क्रू डेवरी वगैरह सब कुछ कस के और तैयार करेंगे इसको। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरा हमारा जैसे नए और मिक्सर होता है वैसे दिख रहा है। आइए हम इसके पेच लगा के फिर आपको दिखाते हैं ताकि हमारी वीडियो वो काफ़ी लंबी नहीं हो। वीडियो को आप स्किप ना करें क्योंकि अगर कुछ छूट गया तो आपका ही नुकसान है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे आप आने वाली और भी अच्छे अच्छे वीडियो हमारे देख सकेंगे। देखिए दोस्तों ये हमने सारी नोब को भी धो लिया है और वापस से इसमें लगा लिया है। और आप जब इसको खोलने की प्रयास करो उससे पहले ही इसकी फोटो या वीडियो ले लो जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कलर्स कहां कहां से हमने निकाले हैं और कौन कौन से कलर हमारे को कहां कहां पे फिट करने हैं। ये नोब्स बिल्कुल ही आराम से लग जाती है। वीडियो लंबी होने के कारण हम आपको दिखा नहीं पा रहे और
टेस्टिंग हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और हमने इसको अभी ऑन करके आपको दिखा देते हैं वर्किंग कंडीशन में। ये देखिए दोस्तों, ये स्क्रीन केबल लगा रहे हैं पावर वाली, ये पावर केबल लगा दी हमने, इसको ऑन कर दिया हमने, ठीक है। और ये हमारे पास एक माइक है, इसे आपको लेवल खोल के दिखा देते हैं। फर्स्ट नंबर में लगा दिया है और इसको ऑन कर दिया है, इसका PFL ऑन करते हैं तो उससे आपको यहाँ पे लेवल दिख जाएगा। हेलो 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 620 हेलो 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 हेलो। ये देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाले वीडियो हमारे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आपको ये फेडर कहीं पे जाम या थोड़े टाइट वगैरह दिखे तो आप इसके अंदर जो सिलाई मशीन के अंदर हम तेल डालते हैं ऑयल वो वाला ऑयल आधी आधी बूंद एक एक फेडर में दे दे, इससे ज़्यादा ना दे, क्योंकि ऑयल है ना जो डस्ट पकड़ता है और उससे हमारे ये फेडर वापस जाम हो सकते हैं। तो बिल्कुल आधी आधी बूंद आप दे दीजिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें।